स्वागत है आप सभी का मेरे न्यू व्लॉग में। मैं हूँ आपका हुसैन दोस्त प्रतीक और आज मैं जा रहा हूँ एक लॉन्ग ड्राइव पे जो कि हमारी वर्टूस के साथ होने वाला है और इसमें टेम्प्रेरी नंबर भी लगा चुके हैं। मतलब मैं काम से ही जा रहा हूँ दिल्ली, ठीक है, और इसमें थोड़ा काम वगैरह करवाना है मेरे को और आपको चलते हुए बताऊँगा कि क्या क्या, क्यों मैं मतलब दिल्ली स्पेशली जा रहा हूँ और किस काम के लिए जा रहा हूँ और मतलब क्यों जा रहा हूँ, ठीक है। तो देखो भाई, अपनी गाड़ी ऐसी लगती है और एक चीज़ दिखा देता हूँ, जैसे कि अपना अगर ये बूट स्पेस खोलना होगा ना, बूट खोलना होगा तो आपको इस वाले बटन को प्रेस करके रखोगे तो ये है, ऑटोमेटिक नहीं है लेकिन खुल जाता है, उसके बाद आपको ऊपर करना पड़ता है जिससे ये नीचे ना आए। तो एक बैग था जिसमें बस एक जोड़ी कपड़ा है मेरा, हो गया, बस इतना ही चाहिए दिल्ली आने के लिए हमें, क्योंकि एक दिन का सफ़र है और आजकल तो मतलब गाड़ियों से भर रखा है वो, इधर भी गाड़ी, इधर भी गाड़ी और इधर भी गाड़ी और एक बाहर रहती है। मॉर्निंग का टाइम हो रहा है, अभी 8:30 बज रहे हैं। सुल्तान भी कह रहा है कि भाई क्या कर रहा है, जा रहा है मेरे को छोड़कर। इसको भी दिखा देता हूँ एक बार व्लॉग में क्योंकि बहुत टाइम से दिखाया नहीं है। सुल्तान, इसके लिए एक हम लोगों ने बैरियर सा यहाँ पे बना रखा है, एक इधर बना रखा है, एक उधर बना रखा है, जिससे इस साइड ना पाए क्योंकि ये कभी कभी काटू काटू कर देता है। क्यों सुल्तान? चलो टाटा बा, टाटा मेरा बेटा। क्या हुआ? गुस्सा हो रखा, गुस्सा हो रखा है, जा रहा हूँ तो गुस्सा हो जाता है। कोई नहीं बेटा, आता हूँ जल्दी, मिल के आता हूँ तेरे लिए, कुछ लेके आऊँ दिल्ली से। चलो सो गाइस, अब मैं निकल रहा हूँ, ठीक है, वरना काफ़ी लेट हो जाएगा, इसलिए निकलना जल्दी सही है। और अभी एक और इंसान चलेगा मेरे साथ, ठीक है, राहिल। तो प्रीवियस व्लॉग्स में आप लोग ने देखा होगा उसे, एक गाड़ी बाहर निकालनी पड़ती है हम लोगों को जब अंदर से वाली गाड़ी निकालनी पड़ती है, ठीक है, ये भगवान जी को जय भगवान। चलो सो आज मैं आपको बताता हूँ कि मैं दिल्ली क्यों जा रहा हूँ। दिल्ली में इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि मुझे गाड़ी में थोड़ा काम करवाना है, ठीक है। तो करोल बाग में एक काउंटिंग कार्स करके है, तो उनसे मेरी बात हुई है, तो दिन के टाइम तक हम लोग पहुँच जाएंगे, 3-4 बजे के आसपास पहुँच जाएंगे, तो तब हम काम करवाना स्टार्ट करवा देंगे गाड़ी, ठीक है। तो मैंने सोच रखा है कि यहाँ पे हम लोग क्या कहते हैं एम्बियंस लाइट वगैरह लगाएंगे, जैसे डोर के पैनल में, इधर साइड में, उधर भी, ठीक है, और पीछे डोर के पैनल में, तो देखते हैं कैसा लगेगा वगैरह। और एक और काम है जो कि मेन है, भाई को भी वापस लेके आना है वहाँ से दिवाली की, उसकी क्या कहते हैं छुट्टी वगैरह पड़ चुकी है उसकी कंपनी की, ठीक है। तो इस वजह से भी, क्योंकि उसके बाद काफ़ी सारा लगेज है जो कि हम लोगों को वहाँ से लेके आना है, बस यही काम है और कुछ नहीं है। और मुश्किल से हम एक दिन के लिए जा रहे हैं, इसी वजह से जा रहे हैं, वरना कुछ नहीं है। और ये मैंने इस गाड़ी की पहली एक लॉन्ग ड्राइव है जो कि दिल्ली तक होने वाली है, उसके बाद इसकी सर्विसिंग आ जाएगी क्योंकि अब तक ये चल चुकी है, जैसे आप देख सकते हो 429 किलोमीटर चल चुकी है और 1000 किलोमीटर पे इसकी होती है सर्विसिंग, जो पहली सर्विसिंग होती ना इसकी 1000 किलोमीटर पे ही होती है, ठीक है। तो जैसे ये कहना था, और रास्ते बारे में आप लोग को दिखाते हुए जाऊँगा कहाँ कहाँ से जा रहा हूँ मैं, ठीक है, रास्ता वगैरह दिखाऊँगा अच्छे से। सो गाइस, अभी हम पहुँचे हैं गजरौला और खाने के लिए रुके थे मोगा पंजाबी ढाबा में, ठीक है, क्या है ढाबा है, क्या है अटका, अटका मतलब क्या हुआ भाई, तू तो बड़ा वहाँ चंडीगढ़ में, अच्छा तड़का है सर, अच्छा तड़का लिखा हुआ है, मेरे को लगा वो सारा ऐसी बना रखा है। तो भाई अभी हम पहुँचे गजरौला साइड में, ठीक है, यहाँ पे अभी दिन का खाना खाते हैं, 12 बज चुके हैं, इसने कुछ खाया नहीं था तो मैंने भी बहुत हल्का कुछ खाया है। और ये नंबर दिखा रहा है कितना सेक्सी नंबर है, UQ08 4x1, ये भी 4x1, अरे वाह, पहले वॉशरूम चलते भी चलते हैं अंदर, ठीक है। सो गाइस, हम लोग अभी दिल्ली पहुंच चुके हैं और अभी हम लोग जा रहे हैं करोल बाग के साइड, ठीक है, ये ख्याल से सामने 5वें स्टेडियम है, मतलब कौन से स्टेडियम है, ठीक है। और अभी आधे घंटे के अंदर हम पहुंच जाएंगे, उसके बाद गाड़ी का काम वगैरह करवाएंगे, उसके बाद हम जाएंगे भाई के पास और कुछ क्या कहते हैं जगह पर भी जाएंगे कुछ शाम के टाइम, इंडिया गेट वगैरह टाइम में, अगर हम लोग का काम हो जाता है टाइम से तो फिर आसपास भी कहीं घूमने चले जाएंगे, ठीक है।
सो गाइस मैं आ गया था कलोर बाग, ठीक है। तो हम लोग लगा रहे हैं वहाँ इसमें अंदर याली लाइट, अल्ट्रा लाइट, ठीक है। और हम लोग आ रखे थे काउंटिंग कार्ड में, काउंटिंग कार्ड्स करके मतलब कलोर बाग में जब आप घुसते हो ना तो बिल्कुल स्टार्टिंग में ही पड़ता है। और ये भाई लोग लग गए हैं काम में, तो ये आपको काम वगैरह दिखाता हूँ थोड़ी देर में। भाई आराम से करना है गाड़ी में, ठीक है, देख के करना। इस वायर को क्या बोलते भैया? स्पीकर वायर। इस कौन सी? स्पीकर वायर। स्पीकर वायर, अच्छा। तो ये भाई पूरा इंतजाम खोल दिया है इसका, वायरिंग वगैरह लगा रहे हैं इसके लिए, लाइट के लिए। सो गाइस अभी जो ये डोर की जो पैनल है ना उनमें लग चुकी है लाइट, और ये लाइट सच में बहुत अच्छी लगी है। और ये लाइट जो होती है ना हाथ में लगती है वो भी नहीं लग रही है, बहुत मतलब अच्छा काम हुआ है अब तक तो, अच्छा काम हुआ। और लगने के बाद देखते कैसा लगता है, ठीक है। अभी भाई वायरिंग वगैरह काम अभी भी वही कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके बाद पूरा काम होने के बाद ही अब आपको दिखाऊंगा। और अभी शाम के 5 बज चुके हैं ना, कितने बज गए देख? 4:41 हो चुके हैं। तो हार्डली 1 घंटे का और काम होगा, उसके बाद दिखाऊंगा आपको कि अंदर से कैसा लग रहा है इंटीरियर, क्योंकि उस तब तक शाम भी हो जाएगा तो देखने में मज़ा आएगा, ठीक है। होप तो अच्छा लगे। अभी सो गाइस अभी दरवाजे वगैरह में लग चुका है, अभी फ्रंट वाले में एरिया में लग रहा है, ठीक है। देखो कैसे लगाते हैं। इस साइड एक और एमएस लाइट होती है जो कि मतलब कंपनी देती है, लेकिन ये भी अभी छुप जाएगी, बस हल्का हल्का दिखेगा। हो गया सुबह, जैसे आप देख सकते हो कि एम्बियंस लाइट जो है वो लग चुकी है, ठीक है। तो मतलब सही लगा रखी है, बढ़िया लगा रखी है, लेकिन एक साइड से बस इस साइड से जो कर्व है ना, इस कर्व की वजह से ये थोड़ा अंदर जा चुका है, ठीक है, वरना बाकी तो सब सही है। ये भी लाइट बढ़िया लग रखी है इस साइड की, डोर पैनल वाली, और इसके अंदर भी लाइट लग रखी है जो इस साइड में है, ठीक है। और नीचे भी लग रखी है, और इसमें कलर चेंज बता दो इसका ये कैप है, तो फोन बताता हूँ इसका, ठीक है। इससे चेंज भी होता है, देखो ये आप कोई सा भी कलर कर सकते हो इससे, ये ठीक है। और जैसे कि अगर आपको ये हरा करना है तो हरा हो जाएगा ये, ठीक है, ठीक है। नीचे का लाइट हरे हो जाएंगे पूरे, और पीले करना है तो पीले हो जाएगा। और मतलब कलर्स काफ़ी है इसमें, और भी मतलब इफेक्ट और भी बहुत सारे हैं। तो ये सब काम जो हुआ है मेरा अराउंड 13,000 में हुआ है, ठीक है। इसमें कम से कम 14 लाइट लग रखी है इसमें, ठीक है। तो अगर आप लोग को आना हो तो ये काउंटिंग कार्ड्स में आ सकते हो, लेकिन इनसे बोलना कि ये चीज़ सही से करके दे, वरना ये और अंदर कर देंगे, ठीक है। ये वाला एरिया अगर आपके पास वर्कपीस है तो इसको बोलना कि आप यहाँ से कर्व को थोड़ा बाहर निकालें, वरना बाकी तो सब सही है, बाकी जो फिटिंग वगैरह वो सब अच्छी करके, ठीक है। तो अब चलते हैं थोड़ा घूमने के लिए खाने। सो गाइस अभी हम सीपी आए थे, तो यहाँ पे हम चिकन बिरयानी और तंदूरी चिकन खाने का कर रहे हैं, ठीक है। ये सीपी का एरिया, सो गाइस मैं अब सीपी से निकल चुका हूँ, ठीक है। तो उन्होंने खा वगैरह लिया था, अब मैं जा रहा हूँ अपने भाई के रूम में। तो कोई सी ना, इस व्लॉग को अब यही एंड करता हूँ। तो होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी हो, क्योंकि ये थोड़ा गाड़ी के ऊपर था, और हल्का फुल्का ये था कि मतलब एम्बियंस लाइट वगैरह का लगाने का हम लोग का पर्पज़ था दिल्ली आने का, और भाई को लेने आने का। तो इस वीडियो को यही एंड करता हूँ, बाय बाय, टेक केयर।